आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। 15 फरवरी को जींद में होने वाली बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली के लिए पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित हुड्डा फील्ड हॉस्टल के सभागार में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में रैली को लेकर विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं इस बैठक में क्या क्या बातें हुई इसके बारे में पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी। ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि जींद रैली के लिए अब तक लगभग 900 मोटरसाइकिलों का पंजीकरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि ये मोटरसाइकिल पंचकुला विधानसभा क्षेत्र से पंजीकरण किए गए हैं। वहीं लक्ष्य 9000 मोटरसाइकिल्स को पहुंचाने का रखा गया है। 15 फरवरी को आदरणीय अमित शाह जी की मोटरसाइकिल रैली जींद में हो रही है, उसकी तैयारी के लिए हमारे पास आज हमने समीक्षा की है। उसकी 896 जो फॉर्म है हमारे पास भर करके आ चुके हैं और इनका हम एक 11 तारीख को जो मोटरसाइकिल जो जाने वाले हैं इनका एक सम्मेलन करने जा रहे हैं, वो अग्रवाल भवन सेक्टर 16 के अंदर होगा और उसके अंदर पूरी उनको इंस्ट्रक्शंस जो जाने वाले हैं उनको दी जाएंगी। आज मैं समझता हूं कि रैली को लेकर के कार्यकर्ताओं में युवाओं में बहुत बड़ा उत्साह है। इस रैली का नाम युवा हुंकार रैली, युवा हुंकार रैली जो है उसको लेकर के आज ये पत्रकार वार्ता थी। सत्य खबर के लिए पंचकुला से उमंग की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।